इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के काम का आदेश जारी, लाभ प्रदान करने हेतु देखे आदेश। योग शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल 462021 24917 भोपाल दिनांक 3rd of July 2024 प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश विषय विश्रामावकाश विभाग के सेवानिवृत्त लोक सेवकों को अर्जित अवकाश का नकदीकरण के संबंध में विषयांतर्गत विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों एवं प्राचार्यों की सेवानिवृत्ति पर उनके अर्जित अवकाश के संचयन एवं नकदीकरण के संबंध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16th of June 2008 एवं दिनांक 8th of March 2019 की संभागीय एवं जिला कार्यालयों द्वारा भिन्न भिन्न व्याख्या करते हुए अर्जित अवकाश के नकदीकरण के संबंध में भिन्न भिन्न आदेश जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में कतिपय कार्यालयों द्वारा शिक्षक संवर्ग तथा प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के संदर्भ में अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को मान्य न करते हुए आदेश जारी किए गए हैं, जबकि इन्हीं प्रकरणों में अन्य कार्यालयों द्वारा अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए संपूर्ण सेवा अवधि मान्य की जा रही है। 2. समरूप प्रकरण में वित्तीय सलाहकार स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त अभिमत के क्रम में अर्जित अवकाश के संचयन एवं संचित अवकाश के नकदीकरण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है। अ. शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों यथा सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक आदि को सेवा अवधि के दौरान अर्जित अवकाश का संचयन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 16th of June 2008 के अनुसार ग्रीष्मावकाश में विश्रामावकाश के बदले ड्यूटी पर आहूत किए जाने के फलस्वरूप अनुपातिक रूप से संचित किया जाएगा। ब. ऐसे लोकसेवक जो प्राचार्य पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नत हुए हैं, उन्हें नियुक्ति पदोन्नति दिनांक से अन्य लोकसेवकों की भांति अर्जित अवकाश का संचयन प्र सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 25 के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक किया जाएगा। उपरोक्तानुसार सभी संवर्गों को संचित किए गए अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्रता की गणना वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 8th of March 2019 में दिए गए निर्देशानुसार की जाएगी। सेवानिवृत्ति तिथि पर संचित अथवा गणना में पात्रता दिवस में से जो भी कम हो उतने दिवस का नकदीकरण किया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 8th of March 2019 के अंतर्गत नियुक्ति की प्रथम तिथि से संपूर्ण सेवा अवधि की गणना की जाएगी, अर्थात नवीन शैक्षणिक संवर्ग को छोड़कर शिक्षक संवर्ग हो या प्राचार्य, दोनों प्रकार के लोकसेवकों के प्रथम नियुक्ति तिथि से ही संपूर्ण सेवा अवधि की गणना की जाएगी। शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण प्र